गुड़ का हलवा बन रहा है, बीफ खड़ा मसाला बन रहा है। इसके अंदर जाएगा ये प्याज, ये है मेरे पास साबुत गरम मसाला, ये देखिए जिसमें यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। खड़ा मसाला तो खड़ी खड़ी सारी चीज़ें ले लेंगी। इसको थोड़ा सा हम इसके साथ ही फ्राई करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। ये है गोल वाली मिर्चें, इसके साथ सौंफ है, सौंफ के साथ इलायची बड़ी वाली, इसके साथ ज़ीरा। ये पूरा साबुत मसाला, ठीक है, ये साबुत मसाला है। और यहाँ पर अच्छा हरी मिर्चें हम इसमें ज़रा ज़्यादा डालेंगे, हरी मिर्चों का बड़ा अच्छा उसके अंदर फ्लेवर आता है। ये देख लीजिएगा, अदरक लहसुन पिसा धनिया और हल्दी और साथ में नमक, सही है। 10 से 12 इसमें मिर्चें भी जाएंगी, लेकिन सारी खड़ी खड़ी वो बड़ा अच्छा सा बन जाता है इसमें। तो यहाँ पर इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा ये जो विंग्स को भी चेक कर लेते हैं। बस इसको स्लो फ्लेम पे रखेंगे, अभी इसका जो मसाला है उसको ज़रा सा ड्राई हो जाएगा और फिर इसकी भुनाई होगी। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, ये तो तकरीबन है। यहाँ पर प्याज जो है हमारे फ्राई हो रहे हैं, इसके बाद इसी के साथ खड़ा मसाला जाएगा। ये देखें, ये खड़ा मसाला मैं डाल देती हूँ, थोड़ा सा इसको भी इसके साथ हमने भूनना है। टोमेटोज है, ये सारी चीज़ें रेडी करके फिर हम इसमें डालेंगे ये प्याज के साथ। ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, ये मट्टी की हांडी ले आप, उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर, ये मेरे पास इतने प्यारे शेफ़ कुकवेयर के खूबसूरत से कलर वाले बर्तन हैं, तो क्यों ना मैं इसका इस्तेमाल करूँ। वैसे आप भी इसका इस्तेमाल करें, नॉन स्टिक है। अब वो बाज़ लोग कहते हैं ना कि मट्टी की हांडी घर चटक जाती है, ये होता है वो सारा, ये सारे सिलसिले नहीं होंगे, ठीक है। तकरीबन 2 रेसिपीज़ तो हमारी हो चुकी हैं कम्प्लीट, ठीक है। ज़रा सा ये थोड़ा सा इसका मसाला तैयार होता है। यहाँ पर जाएंगे मेरे पास टमाटर, कम से कम 6 अदद मुझे टोमेटोज चाहिए, 6 अदद टमाटो। तो थोड़ा इसको प्याज को, इसको मसाले को तैयार करेंगे, फिर इसके अंदर टोमेटो चले जाएंगे। टोमेटो डाल कर इसको थोड़ा सा हमने भूनना है ताकि मसाला इसका तैयार हो। और फिर अच्छा, ये खड़ा मसाला तो ज़ाहिर है इसके मसाले सारे खड़े खड़े होंगे, ये देखें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर चाहिएगा ये पिसी हुई हल्दी और पिसा हुआ धनिया, ठीक है, पिसा धनिया, इसके बाद हल्दी पिसी हुई, इसके बाद ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। बस गोश्त को आपने उबाल लेना है, गला लेना है, साथ में इसमें जाएगा नमक। अब ये है मेरे पास 6 टमाटर जो मोटे मोटे कटिंग किए हुए हैं। सब चीज़ें साबुत साबुत। अच्छा, इसको मैं कवर करूँगी, थोड़े से मसाले जो हैं ये ज़रा से गल जाए। यहाँ पर तो ये सारा सिलसिला ख़त्म हो चुका है, ये थे विंग्स के इंग्रेडिएंट्स थे जिसको मैंने विंग्स के अंदर इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीज़ें उनको मैं यहाँ से हटाऊँगी ताकि नज़र आए कि हम यहाँ पर आगे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें इसको मैं यहाँ पर हटा देती हूँ। और इतनी देर में विंग्स हमारी फ्राई हो रही है, उस पर हरा धनिया डल जाएगा, हलवा हमारा तैयार हो चुका है। अच्छा, इसके अंदर चाहिएगा ये पिसी हुई हल्दी और पिसा हुआ धनिया, ठीक है, पिसा धनिया, इसके बाद हल्दी पिसी हुई, इसके बाद ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। बस गोश्त को आपने उबाल लेना है, गला लेना है, साथ में इसमें जाएगा नमक। अब ये है मेरे पास 6 टमाटर जो मोटे मोटे कटिंग किए हुए हैं। सब चीज़ें साबुत साबुत। अच्छा, इसको मैं कवर करूँगी, थोड़े से मसाले जो हैं ये ज़रा से गल जाए। यहाँ पर तो ये सारा सिलसिला ख़त्म हो चुका है, ये थे विंग्स के इंग्रेडिएंट्स थे जिसको मैंने विंग्स के अंदर इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीज़ें उनको मैं यहाँ से हटाऊँगी ताकि नज़र आए कि हम यहाँ पर आगे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करें। तो ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें इसको मैं यहाँ पर हटा देती हूँ।
और इतनी देर में विंग्स हमारी फ्राई हो रही हैं, उस पर हरा धनिया डल जाएगा। हलवा हमारा तैयार हो चुका है और इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने खड़े मसाले का बीफ खड़ा मसाला है उसके भी सारे खड़े मसाले डालकर उसको मैंने कवर कर दिया ताकि थोड़ा सा वो हो जाए। फिर उसके बाद इसमें जाएंगे गोश्त चला जाएगा, तो गोश्त को भी थोड़ा सा गलाना है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा नीचे ना लगे। हम लेते हैं ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे। अच्छा, ड्यूरिंग ब्रेक में मैंने इसमें गोल्ड डाल देना। ठीक है, इसके अंदर जाएगा हरा धनिया। ठीक है, ये हरा धनिया। ठीक है जी, ये मिर्चें हैं साबुत वाली, जो साबुत हम, ठीक है जी, चलें जी, ये साबुत मिर्चें हैं। बस जी, ये तकरीबन हो चुका। इसको बस 5 मिनट के लिए दम पे देते हैं, उसके बाद हम इसको भी डिश आउट करते हैं। बाकी दोनों रेसिपीज जो है हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं, हलवा, विंग्स और बीफ खड़ा मसाला। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं रीकैप ब्रेक, ब्रेक की तरफ चलते हैं और उसके बाद वापस आएंगे, तो जब तक एंड हो जाएगा। तो लेते हैं वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अब मैं ड्यूरिंग ब्रेक में इसकी थोड़ी सी भुनाई कर रही थी। ज़ाहिर है हमने जो टमाटर वगैरह डाले थे वो थोड़ा सा खड़े मसाले की वजह से थोड़े थोड़े से खड़े थे। ठीक है, वैसे तो ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है।